आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज, निष्पक्ष पत्रकारिता की पहचान, आपकी आवाज का रखे सम्मान। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं बाल विकास आयोग ट्रस्ट व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में पिछले कुछ माह से चल रहे बाल भिक्षावृत्ति व बाल श्रम मुक्त उदयपुर अभियान को गति देते हुए संगठन ने सुखाड़िया सर्किल पर प्रशिक्षण शिविर का आगाज किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत आगे बच्चों में स्किल डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा। उन्हें शिक्षा की ओर आकर्षित करते हुए मनोरंजन के साथ विभिन्न वस्तुएं बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वह साथ ही उनके जरूरतमंद परिजनों को भी प्रशिक्षण से जोड़कर रोजगार देने का कार्य किया जाएगा, ताकि उनके परिवारजन आत्मनिर्भर बन सके। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद जांगिड़, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण सुथार, बाल अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशिका मीना शर्मा, जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य सुरेश शर्मा, संगठन के उदयपुर के जिला अध्यक्ष मुकेश शर्मा, जिला कार्यकारी अध्यक्ष हर्षित सोनी, सचिव धीरज सुतार, जिला कार्यकारिणी सदस्य गौरव सुतार, समाज सेवी गीतांजलि जोशी आदि उपस्थित रहे। इस दौरान महिलाओं व बच्चों को हर्षा पुरोहित व मैथिली पुरोहित द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद जांगिड़ ने बताया कि उदयपुर को बाल भिक्षावृत्ति और बाल श्रम मुक्त करने के लिए इन्हें एक बेहतर प्रशिक्षण देकर इनमें ऐसा कौशल विकसित करना पड़ेगा और इस प्रशिक्षण के माध्यम से बाल भिक्षावृत्ति व बाल श्रम में लिप्त बच्चों का ध्यान मनोरंजन की गतिविधियों को शामिल करते हुए साथ साथ शिक्षा की ओर आकर्षित किया जाएगा, ताकि ये बच्चे भिक्षावृत्ति जैसे कार्यों से दूर हो सके और बड़े होकर ये आत्मनिर्भर बन सके और आगे जरूरत पड़ने पर अपना भविष्य व रोजगार स्वयं सुनिश्चित कर सके। और उपाध्यक्ष प्रवीण सुथार ने बताया कि जल्द आगे की रूपरेखा तैयार कर अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को इस प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा तथा बच्चों के जरूरतमंद परिवारजनों को रोजगार देने की दिशा में कार्य किया जाएगा।